अब ऐसे जब ना केकेआर के 31 रन पे 5 आउट हो गए तब आंद्रे रसल आया। अब ना चेन्नई सुपर किंग्स ने देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं, ध्यान से सुनना, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं। और किस तरह से आउट होते थे, जब भी आप विकेट से दूर उनको गेंद डालते हो तो वो क्या करते हैं, उस गेंद को मारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे आउट हुए, या फिर इधर आउट हो जाएंगे या सामने आउट हो जाएंगे, ठीक है, बाउंड्री के पास। तो ये फिक्स पैटर्न था आंद्रे रसल का, और उनको पता था कि आंद्रे रसल का इंपॉर्टेंट है विकेट, अगर वो आउट हो गया तो केकेआर सारी जाएगी। मजे की बात पता क्या थी, मजे की बात ये थी कि अब चेन्नई का जो उसने क्या नाम था यार उसका बंदे का, उसको बुलाया, वो बॉलर आया और उसने ना सारी की सारी वाइड बॉल्स डाली आंद्रे रसल को, सारी वाइड। लेकिन मजे की बात ये थी कि आंद्रे रसल को भी अपनी कमजोरी पता थी, आंद्रे रसल को ये पता था कि पिछले 2-3 मैच में मैं लगातार वाइड गेंद पे आउट हो रहा हूं, इस बार वो स्ट्रेटेजी बना के आया था कि मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। तो इस बार उसी ओवर में जिसमें वो लगातार वाइड वाइड डाल रहा था, उस बंदे को इतना धोया है, इतना धोया है, इतना धोया है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे रिन की टिकिया लेके बैठा हो कपड़े धोने के लिए, मार दिया उसको, सच बता रहा हूं। सो अब ये कैसे पता, इट्स ऑल अबाउट वर्क, वर्क। अगर आप अपनी कमजोरियों पे काम करोगे तो आप जीत जाओगे, नहीं तो एग्जाम आपको हरा देगा, सिंपल सी बात है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखो आपकी कमजोरियां है कहां, आपको किसमें दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में कहां दिक्कत आती है, बायो में कहां दिक्कत आती है, फिजिक्स में कहां दिक्कत आती है, अपनी कमजोरियां पकड़ो।